तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, मैं सूरज आप लोग लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। तो गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम बात करेंगे टॉप 10 न्यू एंड्रॉइड गेम्स के बारे में जो दिसंबर मंथ में लॉन्च हुए हैं। तो गाइस मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताने कि आपको कौन सा गेम सबसे ज्यादा अच्छा लगा। बाय चांस आपको कोई सा भी गेम डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करें। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट गेम निकल के आ रहा है फ्री स्टाइल 2। तो दोस्तों ये गेम एक ब्रांड न्यू बास्केटबॉल गेम है। इस गेम में आप लोगों को 3 की टीम बना के खेलना होगा और आप लोग चाहो तो इस गेम में मेल या फीमेल कैरेक्टर चूज कर सकते हो। एंड इस गेम में आपको बैटल भी लड़नी होगी 3v3 की, और जो ये बैटल जीत जाएगा उस टीम के प्लेयर का पावर लेवल हो जाएगा। एंड बैटल के दौरान आप मूव्स एंड कॉम्बोज भी बना सकते हो जो आपकी हेल्प करेगी बैटल को जीतने में। बात की जाए इस गेम के ग्राफिक्स की तो इस गेम के ग्राफिक्स एनवायरनमेंट एंड टेक्सचर काफी कमाल के हैं, और इस गेम का साइज है 1.60 GB एंड ये ऑनलाइन गेम है। जो हमारा नेक्स्ट गेम निकल कर आ रहा है स्लाइम नीजा का है। तो गाइस ये गेम एक काफी कमाल के एनिमे सीरीज से इंस्पायर होकर बना है। अगर आपने इस गेम के एनिमे सीरीज नहीं देखा है तो जाके देखो, तभी जाके आप लोग इस गेम का समझ पाओगे। वैसे मैं बता दूं इस गेम में आप लोगों को करना क्या होगा, आप इस गेम में एक फीमेल कैरेक्टर का रोल प्ले करते हो और आपके गाँव पे इवल पावर ने अटैक कर दिया और सभी लोगों को अपने शिकार बना रहे हैं, यानी सभी लोगों को इवल क्रिएचर्स जान से मार रहे हैं और आपको इन सभी को रोकना होगा। आपके पास एक काफी खतरनाक सी पावर है, उसका यूज करके आप इन सभी को मारो और गांव को बचाओ। इस गेम की स्टोरी इसके एनिमे सीरीज के कॉन्सेप्ट पे पूरी तरह से बेस्ड है, इसलिए मैं इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, बता दिया तो आपको सारे इंटरेस्ट चला जाएगा। तो चलिए बात करें इस गेम के साइज की। तो इस गेम का साइज 1.2 GB एंड ये ऑनलाइन गेम है। जो हमारा थर्ड गेम निकल के आ रहा है कोमोरी लाइफ। तो गाइस ये गेम एक काफी अच्छी स्टोरी लाइन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इस गेम में आप लोग मेल या फीमेल कैरेक्टर बन सकते हो और उसको पूरी तरह कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो इस गेम में आप लोग शहर से गांव जाते हो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर की हेल्प करने। इस गेम में आप लोगों को फार्मिंग करनी होगी और वेजिटेबल फार्मिंग भी करनी होगी, यानी आप लोगों को सब्जियों की खेती करनी होगी और जंगल से लकड़ी भी लेके आनी होगी एंड आपको कुकिंग भी करनी होगी और भी बहुत कुछ करना होगा। बट आपको इस गेम की स्टोरी के साथ चलना होगा। जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे ये गेम काफी इंटरेस्टिंग होते जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस गेम के साइज के बारे में। तो इस गेम का साइज है 1.30 GB एंड ये ऑनलाइन गेम है। जो हमारा फोर्थ गेम निकल के आ रहा है रॉकेट लीग साइड स्वाइप। जी हाँ फ्रेंड्स, वो है गेम जो आप अपने पीसी या कंसोल में आराम से बैठ के खेलते हो और अब आप लोग अपने स्मार्टफोन में भी खेल सकते हो। तो यार इस गेम का काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये बड़ी वाली बॉल देख रहे हो, आप लोगों को इसको गोल करना होगा। अगर आप लोग येलो वाले टीम में तो आप लोगों को ब्लू वाले टीम की तरफ गोल करना होगा, एंड आप लोग ब्लू वाले टीम में तो आप लोगों को येलो वाले टीम की तरफ गोल करना होगा। तो यार एक तरह से फुटबॉल समझ लो, मगर इसमें बस इतना फर्क है कि इसमें आपको कार से गोल करना होगा। तो यार इस गेम में बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। इस गेम के ग्राफिक्स भी काफी मस्त है। तो चलिए बात करते हैं इस गेम के साइज की। तो इस गेम का साइज है 900 MB एंड ये ऑनलाइन गेम है। जो हमारे फिफ्थ गेम निकल के आ रहा है वो पुलिस सिमुलेटर 2022। तो गाइस ये गेम एक ओपन वर्ल्ड गेम है। इस गेम में आप लोग जहाँ चाहो वहाँ पे आप लोग जा सकते हो। आपको ये गेम कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चाहिए तो आप पुलिस से फाइट भी कर सकते हो एंड आप खुद पुलिस के हेल्प कर सकते हो चोरों को पकड़वाने में। यानी ये चीज आप पे कि आप पुलिस के हेल्प करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हैं। और काफी डिफरेंट टाइप के आपको इस गेम में पुलिस वाले देखने को मिलेंगे और आप इस सिटी को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। इस गेम में आपको काफी डिफरेंट टाइप के वैरायटीज के कार्स देखने को मिलेंगे, आप उसको ड्राइव करके पूरी सिटी में घूम सकते हो और आप खुद चोर को पकड़ सकते हो, पुलिस से फाइट कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो यार मैं पूरी जानकारी दे दूंगा तो आप लोग क्या करोगे गेम खेल के, थोड़ी सीक्रेट मेरे पास भी रहनी चाहिए, इसलिए आप डाउनलोड करो और खुद खेलो और कमेंट करके जरूर बताने कि आपको ये गेम कैसा लगा। तो चलिए बात की जाए इस गेम के साइज के बारे में। तो इस गेम का साइज 1.3 GB एंड ये ऑफलाइन गेम है। जो हमारे सिक्स गेम निकल के आ रहा है वह अंडेड क्लैश जॉम्बी। तो दोस्तों ये गेम फर्स्ट पर्सन जॉम्बी सर्वाइवल शूटिंग गेम है। आपको इस गेम में जॉम्बीज को फिनिश करना होगा। जैसे जैसे आप लोग जॉम्बीज को फिनिश करते रहेंगे वैसे वैसे लगातार जॉम्बीज आते रहेंगे, इसलिए आपको जल्दी फिनिश करना होगा। एंड इस गेम में ऐसा है कि आपको एक बार 1000 जॉम्बीज से एक साथ लड़ना होगा। आपके पास कभी कमाल के गन्स है, आप उनके यूज करके आप इन सभी को मार सकते हो। और इस गेम में आप लोगों को बॉस बैटल भी लड़ना होगा। बॉस बैटल लड़ने के लिए आपको गन, करेक्टर और स्किल अपग्रेड
अपग्रेड करने होंगे। ये सभी चीज अपग्रेड करने के लिए आपको मिशन कंप्लीट करने होंगे। जैसे जैसे आप लोग मिशन कंप्लीट करते रहेंगे वैसे वैसे ये सभी अपग्रेड होते रहेंगे। तो इस गेम की साइज है 500 MB एंड ये ऑनलाइन गेम है। जो हमारा 7th गेम निकल के आ रहा है वो है ऑफ रोडिंग। तो गाइस इस गेम का काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस गेम में आप लोगों को ऑफ रोडिंग ड्राइविंग करनी होगी। गाइस ऑफ रोडिंग का मतलब आप लोगों को ऊबर खबर रास्ते, कीचड़ वाली जगह, पहाड़ों पे एंड जहाँ पे ड्राइविंग करना बहुत ही मुश्किल है आप लोगों को इस गेम में वहाँ पे ड्राइविंग करनी होगी। तो यहाँ पे बात की जाए इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में, तो इस गेम के ग्राफिक्स एनवायरनमेंट एंड टेक्सचर काफी कमाल के हैं। एकदम पीसी के लेवल का ग्राफिक्स मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे, यानी आप लोगों को एकदम रियलिस्टिक गेम प्ले एक्सपीरियंस प्रोवाइड होगा। तो जिन लोगों को ऐसे गेम पसंद आते हैं वो जरूर ट्राई करना। तो चलिए अब बात करते हैं इस गेम के साइज के बारे में। तो इस गेम का साइज है 500 MB एंड ये ऑफलाइन गेम है। जो हमारे 8th गेम निकल के आ रहा है स्पेसिवन जीरो। तो दोस्तों आप लोगों की एक ऐसी अनजान जगह आग खुलती है, तो आप खुद को एक हॉस्पिटल टाइप बिल्डिंग में पाते हो। यह हॉस्पिटल बहुत ही पुराना है। इस हॉस्पिटल में बहुत ही अजीबोगरीब क्रिएचर एंड मॉन्स्टर है। तो आपको इस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करना होगा और अपने बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा। आपके पास काफी कमाल के गन्स है, आप इनका यूज करके आप इन सभी को मार सकते हो। अगर आप इनके हाथ में आ गए तो आपको ये जान से मार देंगे। तो बहुत ध्यान से खेलिएगा इस गेम को। तो चलिए बात की जाए इस गेम के सेल्स के बारे में। तो इस गेम के सेल्स 160 MB एंड ये ऑनलाइन गेम है। जो हमारे 9th गेम निकल के आ रहा है डेड बाय डिलाइट। तो गाइस इस गेम का काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस गेम में 5 लोग एक जगह पे जाते हैं और उनमें से एक साइको किलर रहता है और इस साइको किलर का काम है 4 सर्वाइवल को मारना। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने सही सोचा, ये जो बचे कुछ 4 सर्वाइवल है उनको मारने का काम है। और जो बचे कुछ 4 सर्वाइवल है उनको खुद को नहीं पता कि कौन किलर है, बस आपको लास्ट तक कैसे सर्वाइव करना है। अगर किलर को पता चल गया कि आप वहां पर छुपे हो तो आपको वहां पर आकर वो मार देगा। तो गाइस ऐसे कॉन्सेप्ट वाला गेम काफी मस्त लगता है। तो बात की जाए इस गेम के ग्राफिक्स की, तो इस गेम के ग्राफिक्स एनवायरनमेंट एंड टेक्सचर काफी कमाल के हैं। और इस गेम का साइज 1.96 GB एंड ये ऑनलाइन गेम है। जो हमारा लास्ट गेम निकल के आ रहा है वो है मिमिक्री। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि इस गेम का नाम ऐसा क्यों है और गेम का कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस गेम में ऐसा है क्या। इस गेम में 9 लोग एक लॉबी के अंदर आते हैं और उनमें से एक एलियन क्रिएचर से इन्फेक्टेड रहता है और वो इन्फेक्शन उसे धीरे धीरे पूरी तरह एक इवल क्रिएचर बना देता है। और गाइस इसका बस एक ही काम है, जो बचे कुचे सर्वाइवल है उन सभी को मारना। और जो बचे कुचे सर्वाइवल है यानी आपको पता नहीं कि इवल क्रिएचर कौन है। इस इवल क्रिएचर के पास एक ऐसा पावर है कि वो कभी भी इंसान बन सकता है और वो कभी भी अपने असली रूप में आ सकता है। बस आपको यही पता लगाना है कि इवल क्रिएचर कौन है। तो चलिए बात की जाए इस गेम के साइज की, तो इस गेम का साइज है 161 MB एंड ये ऑनलाइन गेम है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।